@9 काबेंद्र चौहान के साथ। दर्शकों, एक बात मुझे समझ में नहीं आती कि ये पाकिस्तान, ये हमारे देश में आतंकवाद को फैलाने वाला पाकिस्तान, हमारे देश में दंगा करवाने वाला पाकिस्तान, हमारे देश में शहीद हुए सैनिकों की जो वजह है वो है पाकिस्तान। दर्शकों, ये कटोरा खान वाला पाकिस्तान, दर्शकों, ये भिखारी पाकिस्तान, दर्शकों, चाइना के सामने नतमस्तक होता ये पाकिस्तान, पूरी दुनिया में सबसे अलग लाइक अ डस्टबिन पड़ा हुआ ये पाकिस्तान, दर्शकों, सबसे बड़े नापाक इरादे रखने वाला ये पाकिस्तान, दर्शकों, दुनिया भर में सबसे ज्यादा बदनाम पाकिस्तान। क्या आप सोच सकते हैं कि इस पाकिस्तान से प्रेम करने वाला कोई भारत में रह सकता? कदापि। लेकिन दर्शकों, ऐसा है। बार 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 बार, साल दर साल, ऐसे चूजे, ऐसे चूहे, ऐसे कॉकरोच जो पाकिस्तान से प्रेम करते हैं, खाते इधर का है, गाते बजाते उधर का है, रहते इस घर में है लेकिन अब्बू जान किसी और को कहते हैं, ऐसे लोग साल दर साल, कभी कभी तो 6-6 महीने में ही बिल से बाहर आ जाते हैं और अपने असली इरादे, अपना असली प्रेम, अपना असली प्यार ज्यादा दिन छिपा नहीं पाते। दर्शकों, एक बार फिर ये गद्दार, ये पाकिस्तान परस्त लोग एक बार फिर सामने आ गए। दर्शकों, मैं बात कर रहा हूं एक मौके की, एक जुलूस की, एक कार्यक्रम की, जहां पर ये चूजे, ये कटोरा खान के जूनियर पाकिस्तानी चूजे एक बार फिर सामने आए। हिंदुस्तान की धरती पर पाकिस्तान के नारों का क्या काम, हर कोई समझता है। लेकिन दर्शकों, उत्तर प्रदेश में कितने पाकिस्तान हैं, यह आज मैं सवाल आपसे कर रहा हूं, क्योंकि दर्शकों, आज उत्तर प्रदेश में एक चर्चा का विषय है जिसको लोग ना जाने क्यों इग्नोर कर रहे हैं। लेकिन आज @9 के कार्यक्रम में मैं इस विषय को रख रहा हूं कि उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिला जो है, वहां पर एक इलाका है नोएडा सेक्टर 8, कहने को तो आसपास कंपनियों से भरा है, कहने को तो आसपास लोग हैं जो बाहर से आए हैं, रहते हैं, कामकाज करते हैं, पेशा करते हैं, पैसा कमाते हैं, पलायन करके आए हैं संभावनाओं की खोज। लेकिन दर्शकों, एक खतरा भी, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कुछ और मंसूबों के साथ यहां रह रहे हैं। दर्शकों, नोएडा सेक्टर 8 में मौका था ईद मिलाद उन नवी के जुलूस के मौके का, और इस जुलूस में कुछ लोग क्या कर रहे थे, तस्वीरों से देखिएगा, वीडियो प्ले करवाएंगे, आप देखिए कि वो क्या कुछ कर रहे हैं। वो दरअसल ये जिहादी, ये पाकिस्तानी परस्त लोग पाकिस्तान जिंदाबाद के लाते। दर्शकों, ये कराची नहीं है, ये भीख मांगता सिंध नहीं है, ये भिखारी लाहौर नहीं है, ये दर्शकों, दरअसल नोएडा है, ये उत्तर प्रदेश है, जहां पर ये जिहादी पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। इसके बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई नहीं की, पुलिस ने कहा कि पहले इस पूरे घटनाक्रम की जांच हो, और जब जांच की गई, दर्शकों, ये पूरा वीडियो सच मालूम, ये पूरा वीडियो सही मालूम पड़ा, जहां पर ये पाकिस्तान परस्त लोग भारत की धरती पर पाकिस्तान के सबसे ज्यादा प्रेम करने वाले ये लोग, भारत के सबसे बड़े दुश्मन, जो हमेशा भारत का बुरा चाहता है, जो हमेशा भारत की पीठ पर घाव करता है, उसको जिंदाबाद के नारे लगाए। सब शॉक्ड कि ये पाकिस्तान के लोग, ये पाकिस्तान परस्त लोग आखिर भारत में कर क्या रहे? ये पाकिस्तान को प्यार करने वाले लोग आखिर भारत में कर क्या रहे? दर्शकों, ये कौन है, ये कौन से जिहादी हैं जो यहां पर है? इसलिए आज मैं सवाल कर रहा हूं कि ये नोएडा में दिखे पाकिस्तानी परस्त और उत्तर प्रदेश में कितने पाकिस्तान,
कभी आजमगढ़, कभी कहीं, कभी रामपुर, ये लोग निकलकर सामने आते हैं। ये क्या है? इस पर सवाल करना जायज है क्योंकि ये दे आर एक्टिंग एज स्लीपर सेल्स टू द पाकिस्तानी फोर्सेस हु हैव मार्टर्ड अवर सोल्जर्स हु आर डाइंग ऑन बॉर्डर्स एंड दे आर जस्ट ग्लोरिफाइंग पाकिस्तान ऑन द सॉइल्स ऑफ इंडिया। Who the hell are they? दर्शकों, उत्तर प्रदेश में कितने पाकिस्तान, ये सवाल है। डीएसपी ने बताया है नोएडा के कि 3 लोगों को अरेस्ट किया गया है। सेक्टर 20 थाने का ये इलाका है, जो सेक्टर 8 है ये सेक्टर 20 थाने में लगता है। और डीएसपी साहब का कहना है कि अभी तक 3 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। तीनों के नाम मोहम्मद जफर, समीर अली, अली राणा, इन 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इतना बड़ा जुलूस, इतनी भारी संख्या में लोग, पाकिस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान की धरती पर, और गिरफ्तार सिर्फ 3। इनको छोड़ना नहीं है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा था कि इन लोगों को छोड़ना नहीं है। ये लोग जो भारत की धरती पर दुश्मन मुल्क का जो गुणगान करते हैं, ये देशद्रोही, ये जिहादी, ये गद्दार लोग, इनको छोड़ना नहीं है, इनको बख्शना नहीं है। और अब ये फंस गए हैं। इनके अंदर जो पाकिस्तान प्रेम था, जो पाकिस्तान परस्ती थी, जो जूनियर पाकिस्तान था इनके अंदर, वो बाहर आ चुका है और अब ये फंस गए हैं। अब इनको पता लगेगा कि हिंदुस्तान की धरती पर, हिंदुस्तान की पाक साफ जमीन पर नापाक इरादे रखने का अंजाम क्या होता है। उससे पहले एक रिपोर्ट है जिसपे क्या कुछ घटनाक्रम था उसको विस्तार से समझाया गया है। आप पहले ये रिपोर्ट देखिए, रिपोर्ट ऑन द स्क्रीन प्लीज। देश की जन्नत जम्मू कश्मीर, जहां पर इन दिनों आतंकवाद तेजी के साथ पैर पसा रहा है। ऐसा नहीं है कि हमारे जवान इन आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब नहीं दे रहे, लेकिन देश के कुछ चुनिंदा लोग ऐसे हैं जो इस पर राजनीति करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन किसी को यह नहीं पता था कि जम्मू कश्मीर के आतंकी, ऐसे लोग जो मुंह से आग उगलते हैं, वो नोएडा तक भी पहुंच जाएंगे। जी हाँ, बात यूपी के नोएडा की हम कर रहे हैं। नोएडा से एक बार फिर देश के अंदरूनी दुश्मनों का चेहरा सामने आया है, जहां कुछ लोगों ने बराफात के जुलूस में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए हैं। जी हां, सेक्टर 8 में जामा मस्जिद के पास मंगलवार को ईद मिलाद उल नबी के अवसर पर निकाले गए जुलूस में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने का मामला सामने आया है। बुधवार से इसके कई वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहे हैं, जिसे लेकर बजरंग दल समेत कई संगठनों के लोगों ने सेक्टर 20 कोतवाली का घेराव किया और धरने पर बैठ गए। धरने पर बैठे लोगों ने आरोपियों पर पाकिस्तान का झंडा लहराने का भी आरोप लगाया है, जिसके बाद पुलिस अधिकारियों ने धरने पर बैठे लोगों को समझाकर उन्हें लौटाया। वहीं जो मामले में विशेषज्ञों से परामर्श कर विश्लेषण किया गया, तो नारे लगाए जाना प्रथम दृष्टया सही मिला। इसके बाद कोतवाली सेक्टर 20 में मामला दर्ज कर मोहम्मद जफर, समीर अली और अली रजा को गिरफ्तार कर लिया गया। तीनों आरोपियों से पुलिस पूछताछ कर अन्य लोगों के बारे में भी पता लगा रही है। बता दें कि सोशल मीडिया पर 4 से 5 वीडियो वायरल हुए हैं। इनमें 12 सेकंड, 16 सेकंड, 36 सेकंड, 1 मिनट आदि के वीडियो हैं। इनमें से 12 और 16 सेकंड वाले वीडियो में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे सुनाई दे रहे हैं। हालांकि पुलिस अधिकारी दिन भर यही कहते रहे कि वीडियो से छेड़छाड़ संभव है। जुलूस में पुलिस बल और अधिकारी मौजूद थे, वहीं पाकिस्तान के झंडे लेकर चलने की बात को पुलिस ने खारिज कर दिया। पुलिस का कहना है कि वो हरे रंग का धर्म विशेष का झंडा था, ना कि पाकिस्तान का।
जुलूस में पत्ता पत्ता फूल फूल इस्लाम जिंदाबाद हिंदुस्तान जिंदाबाद और ख्वाजा का हिंदुस्तान जिंदाबाद नारे लगे। जबकि वीडियो में सुनाई पड़ रहा है कि बीच में कुछ लोगों ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाए। सुबह के वक्त जब वीडियो वायरल हुआ तो कमिश्नरेट के तमाम अधिकारी इसे गलत बताते रहे, लेकिन पुलिस अधिकारी अपने स्तर पर जांच कर विशेषज्ञों से राय भी लेते रहे और दिन भर के मंथन और जांच के बाद देर शाम मामले में मुकदमा दर्ज किया। डीसीपी राजेश एस ने बताया कि जांच में वीडियो सही मिला है। इस जुलूस में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए हैं। इसको लेकर सेक्टर 20 थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया और इस मामले में 3 आरोपियों मोहम्मद जफर, समीर अली और अली रजा को गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और अन्य आरोपियों को भी चिन्हित कर उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। सेक्टर 20 थाना में 12 वफात का एक जुलूस आयोजन हुआ था। उस आयोजन के दौरान पाकिस्तान जिंदाबाद नारा लगाते हुए एक वीडियो आज सोशल मीडिया में वायरल हुआ था। उस वीडियो को पुलिस द्वारा विश्लेषण किया गया है और एक एक्सपर्ट को भी दिखाया गया और उनका सलाह लेने के बाद प्रथम दृष्टिया ये लग रहा है कि उस वीडियो में पाकिस्तान जिंदाबाद नारा लगाना सही प्रतीत हो रहा है। इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो इसमें इनके द्वारा बहुत बार हिंदुस्तान जिंदाबाद नारा लगा रहे थे, बट बीच में पाकिस्तान जिंदाबाद भी नारा लगाया गया है और इस क्रम में हम सेक्टर 20 थाना में मुकदमा लिखा गया है और 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आगे की कार्रवाई की जाए। देखिए, जम्मू कश्मीर में जो आतंकी लगातार घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे हैं वो तो हमारे सामने है, वो तो सीना के सामने है, लेकिन जो हमारे बीच ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान का समर्थन करते हैं, जो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाकर आतंकवाद को बढ़ावा देने की कोशिश करते हैं, वो अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर क्यों ऐसा हो रहा है, आखिर क्यों कुछ अराजक तत्व हिंदुस्तान का माहौल बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, आपसी सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन सवाल ये भी है, जब ये जुलूस निकाला गया तो पुलिस बल भी तैनात था। अगर वहाँ पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे थे तो पुलिस बल क्या कर रहा था? फिलहाल पुलिस ने ये कहा है कि हो सकता है कि इसमें छेड़छाड़ हो, लेकिन बाद में इसकी गहनता से जांच की गई तो फिर ये वीडियो सही पाया गया। आगे देखना होगा कि किस तरह की कार्रवाई होती है। ये पहला मौका नहीं है, देश में इसके पहले भी इस तरह के मामले सामने आ चुके हैं। ऐसे में अब समय आ गया है कि इन लोगों पर सख्त कार्रवाई हो जो कि रहते हिंदुस्तान में हैं, खाते हिंदुस्तान में हैं, पहनते हिंदुस्तान का है और बखान पाकिस्तान का करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वॉल इंडिया। तो ये वो पैकेज था, ये वो रिपोर्ट थी जो नोएडा से है। इससे पहले दर्शकों ऐसा नहीं है कि पहली दफा देखा गया हो। इससे पहले असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं, AIMIM के अध्यक्ष, उनकी एक रैली थी, वहां पर भी एक लड़की आई और पाकिस्तान जिंदाबाद है के नारे लगाने लगी। इससे पहले नवजोत सिंह सिद्धू साहब का एक कार्यक्रम चल रहा था, वहां पर भी पाकिस्तान जिंदाबाद है के नारे सुनाई दिए। और भी कई कार्यक्रम रहे जहां पर पाकिस्तान जिंदाबाद है, पाकिस्तान जिंदाबाद है के नारे लगते रहे। ये देश में क्या हो रहा है? क्या हिंदुस्तान की धरती पर अब ये नारे लगेंगे? जो लोग भारत माता की है जय कहने पर कतराने लगते हैं, जो लोग हिंदुस्तान जिंदाबाद कहने पर कतराने लगते हैं, क्या वो इस देश में सिर्फ इसलिए रहेंगे कि वो उस कटोरा मुल्क की वाहवाही करेंगे, उसको जिंदाबाद करेंगे यहां पर रहकर? क्या इसलिए रहेंगे? और अगर इतना प्रेम है, इतना प्रेम है इस पड़ोसी मुल्क से, तो जाने में कौन रोकता है? जाने के लिए कौन मना करता है आपको? यह सवाल है और यह बड़ा सवाल है कि अगर आपको पाकिस्तान से इतना ही प्रेम है तो आपको आखिर रोक कौन रहा?
आप सरकार पर आरोप लगाएंगे, आप किसी और नेता पर आरोप लगाएंगे, आप प्रशासन पर आरोप लगाएंगे, लेकिन यह तो वीडियो है, यह तो जांची परखी वीडियो है। इसका मतलब साफ है कि नोएडा में कुछ लोग ऐसे रहते हैं, उत्तर प्रदेश के एक जिले में कुछ लोग ऐसे रहते हैं जो पाकिस्तान से प्रेम करते हैं, जो पाकिस्तान से इतना प्यार करते हैं कि पब्लिक फोरम पर आकर उनके जुबान से पाकिस्तान के लिए ये शब्द निकल जाते हैं। अब सोचिए वो घर पर किन किन से बातें करते हैं, वो चार दीवारी में किन किन के संपर्क में होंगे, वो चार दीवारी के अंदर पाकिस्तान में किन किन लोगों से वार्तालाप करते हैं, वो चार दीवारी के अंदर पाकिस्तान के प्रेम में क्या कुछ नहीं करते। और अगर पाकिस्तान के प्रेम में ये लोग इतना डूबे हुए हैं तो फिर हिंदुस्तान के खिलाफ ये लोग क्या क्या करते हैं। ये लोग अपने घर की चार दीवारी में हिंदुस्तान के विरोध में क्या क्या करते हैं, ये लोग अपने घर के चार दीवार के अंदर पाकिस्तान के खिलाफ क्या क्या साजिशें करते हैं, क्या क्या प्लानिंग्स करते हैं। ये बड़ा मुद्दा है और इसको ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए। दर्शकों, ये महज कोई आज की बात नहीं, और इस पर बड़ा पॉलिटिकल गेम शुरू हो जाता है कि ठीक है इसको बढ़ाया जा रहा है, ये डॉक्टर्ड है, ये डॉक्टर्ड वीडियो है, इसको चैनल वाले क्लिपिंग काट कर चला रहे हैं। लेकिन दर्शकों, डीएसपी नोएडा ने साफ किया है कि बकायदा जांच की गई है, बकायदा पूरी पड़ताल की गई है, और उसके बाद ये वीडियो आपके सामने है। कितनी शर्मनाक तस्वीरें हैं कि हमको भारत में रहकर, हिंदुस्तान में रहकर यह सब कुछ देखना पड़ रहा है। जिस देश का जवान सरहद पर जिन लोगों से लड़ रहा है, जिन लोगों से लड़कर इस देश को बचा रहा है, जिन लोगों से सीधे सीधे मुकाबला कर रहा है और शहादत दे रहा है, उसी मुल्क का गुणगान कर रहे हैं यहां कुछ लोग। और अब शांत रहने का वक्त नहीं है, क्योंकि अगर अभी भी शांत रह गए तो यह वक्त निकल जाएगा, और अगर यह वक्त निकल गया तो इनकी जनसंख्या बढ़ेगी, इनकी संख्या बढ़ेगी, और फिर तो मुझको लगता है कि जैसे कि अब ये एक जुलूस में ये नारे लगा रहे हैं, फिर तो ये खुलकर कहीं भी नारे लगाएंगे, आपके घरों के बाहर नारे लगेंगे, घरों के बाहर पाकिस्तान के झंडे लगेंगे, ये मुल्क को पाकिस्तान के अंदर लाने की कोशिश है, ये नापाक कोशिश है, ये साजिशें हैं। ये ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। वो जिन्ना गद्दार जिसका तस्वीर लगाने के लिए लोग लड़ते हैं, जो गद्दार हमारे देश में घुस आए हैं, उनको अगर बाहर निकालने की कोशिश होती है, एनआरसी लाया जाता है, रजिस्टर लाया जाता है, तो ये लोग लड़ते हैं। ये वही लोग हैं जिनके लिए प्रधानमंत्री ने कहा था कि इन्हें कपड़ों से पहचाना जा सकता है। ये वही जिहादी हैं कि जिनके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि इनको बख्शना नहीं है, इनको पकड़ना है और इनको ऐसी सजा देनी है कि इनको पता लगेगा कि देशद्रोह क्या है, देश के खिलाफ जाना क्या है। यहां का खाना है और बजाना वहां का है, यहां का खाना है और बातें वहां की करनी है, देश प्रेम उनसे है और रहना यहां है, तो ये दो चीजें एक साथ नहीं हो सकती। अगर आपको खाना यहां का है और प्रेम वहां से है, अगर आपको रोटी यहां की पसंद है और बोटी वहां की पसंद है, अगर आप इस देश के कानूनों का, संसाधन का इस्तेमाल करते हैं और उन संसाधनों की ढपली बजाकर पाकिस्तान जिंदाबाद करते हैं, देन यू आर नॉट अलाउड टू लिव हियर, दैट्स इट। पाकिस्तान जाने से आपको कौन रोक रहा है? जो लोग पाकिस्तान के प्रेम में इतना अंधे हैं कि भारत के अंदर जुलूस में पाकिस्तान जिंदाबाद है के नारे लगाते हैं, तो मैं उनके लिए अलग से
पाकिस्तान जाने के सारे प्रबंध करूंगा, ये लोग मुझको बताएं, इनको पाकिस्तान भेजा जाएगा, क्योंकि जिसको जिस चीज से प्रेम है उसको मिलाना भारतीय सभ्यता में है, भारतीय संस्कृति में है कि अगर आपको उनसे प्रेम है तो आपको मिलाया जाएगा, आपको पाकिस्तान भेजा जाएगा। अगर आपको यहां का कानून पसंद नहीं, संविधान पसंद नहीं, सरकार पसंद नहीं, जमीन पसंद नहीं, यहां की किताबें, यहां की संस्कृति पसंद नहीं, यहां की जमीन पसंद नहीं, तो दर्शकों इन लोगों के लिए साफ एक मेरा मैसेज है कि ये लोग अगर संसाधन यहां का इस्तेमाल करते हैं तो ये लोग थोड़े से और संसाधनों का इस्तेमाल करके अपने अब्बू जान के पास जा सकते हैं, क्योंकि ये लोग रहते इस घर में हैं लेकिन पिता किसी और को मानते हैं, ये लोग रहते इस घर में हैं लेकिन इनके अब्बू कहीं और हैं। ये पाकिस्तान की जो सरहद है इसको लांघना इनका मकसद है, ये पाकिस्तान के चूजे हैं, ये पाकिस्तान के पिल्ले हैं। दर्शकों भारत की पाक साफ धरती पर इन जैसे नापाक लोगों का अब और ज्यादा दिन ठिकाना नहीं रहना चाहिए। और भारत एट नाइन में आज मैं ये कहता हूं कि नापाक इरादे वाले लोगों को यहां पर रखना एक खतरा है, इनको चिन्हित करना, ढूंढना, सजा दिलाना, अगर मुमकिन ना भी हो सके तो पाकिस्तान भेज देना चाहिए। जल्द से जल्द मुकम्मल समय में फ्लाइट में देरी बर्दाश्त नहीं, अगर वैसे भी ना जा सकें तो तारों के नीचे से इनको फेंक देना चाहिए। शुक्रिया, कल एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी।